जल्दी जल्दी काम कर लो, और भी काम है तुम्हारे पास। हाँ कर तो रहा हूँ मालिक काम, ठीक है। अरे सालो जल्दी जल्दी करो, रुको। नए आए हो क्या? हाँ हम नए आए, बताओ क्या दिक्कत है? हाँ दिक्कत हमें नहीं तुम्हें होने वाली है, तुम्हें पता ही है जंगल कितना खतरनाक है। ऐसा क्या है इस जंगल में? क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच जो फैक्ट्री बन रही है, और इसके और पास जो भी जंगल है घना, ये इस जंगल में एक राक्षस रहता है जो लोगों की कुल्हाड़ी से मौत कर देता है। क्या कुल्हाड़ी से लोगों की गर्दन काट देता है? अच्छा होगा, बेहतर होगा इस ठेके को छोड़कर आप और कहीं ठेका ले लें। अगर आपको आप जान प्यारी है तो इस काम को छोड़ दो। मालिक साहब मैं इस जगह काम नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ अपने घर। अच्छा होगा अगर इस जंगल से आप चले जाओ तो। हम तो सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने आए हैं, जिससे कि आप ये न कहो कि हमें किसी ने चेतावनी नहीं दी या किसी ने हमें बताया नहीं। तुमसे पहले अनेक ठेकेदार यहाँ पर आ चुके हैं, और वो एक एक करके सम्मान राक्षस ने कुल्हाड़ी से उनका कत्ल कर दिया है। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। आगे तुम्हारी इच्छा, जाओ चाहे मत जाओ, आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब हम तो जा रहे हैं, हमें तो इस गांव के हैं, इस वजह से सब कुछ पता है। यहाँ पे जितने भी ठेकेदार आए हैं सबको मार दिया गया है, और वो राक्षस खून का बहुत बड़ा प्यासा है। चलो चलें। चलो रामू। अरे तुम चलो काम करो, ये गांव के अनपढ़ लोग हैं, इन्हें क्या पता। 21वीं शताब्दी रखी है आपके राक्षस रखे हैं। तुम राक्षस पाक्षस कुछ नहीं होता, इन बातों को छोड़ो काम करो। मालिक साहब काम तो हम कर लेंगे, पर थोड़ा सा पानी मंगा लो, गला सूख रहा है। जा रहे तू पानी लेगा? जा रहे हूँ। तुम कब वहाँ पर रखा होगा देख लिए, तो ले जा पानी। कहते ही बुड्ढा भड़का गया साला। रोहित अभी तक आया नहीं पानी लेकर, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। हाँ यार अरवेश देर तो बहुत हो गई, चल देख कर आओ उसे। मैं देख कर आता हूँ। Oh, hey!
मालिक साहब सच में वो गाँव वाली सही जा रही थी, जंगल में कुछ है। तो क्यों घबरा रहा है, ऐसा क्या देख लिया तूने? जो गांव वाले कह रहे थे वो सच है, इस जंगल में राक्षस है। मैं कहता हूँ यहाँ से अपने काम छोड़ो और चलते हैं। अच्छा, रोहित का पता पड़ा तो? मुझे लगता है रोहित को राक्षस ने मार दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, तू वैसे ही भड़क गया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू काम पे लग चुपचाप, मैं दो बंदे और लेकर आता हूँ ढूंढ के। मालिक साहब आप मेरी बातों को यकीन करो, नहीं हमारी यहाँ पर बिल्डिंग बननी मुश्किल पड़ जाएगी। आप एक काम करो, सैडी को बुला लो, वो छानबीन कर लेगी कुछ भी। आप यहाँ देख रहे हो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, यहाँ जंगलों के बीच फैक्ट्री बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। बात तो तुम्हें सही कह रहा है, अरे चेतन मैं बुलाता हूँ सैडी को। हेलो सैडी, गाड़ी यहीं रोकती है।